हेलो फ्रेंड्स, आजकल राम मंदिर का मुद्दा बहुत जोरों शोरों पे है, गरमाया हुआ है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जिसके माध्यम से आपको राम मंदिर के कानूनी पहलुओं से अवगत कराया जा सके। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, एपीलेट ज्यूरिसडिक्शन में, और इसलिए ये ज़रूरी है कि हम ये समझें कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस पे क्या जजमेंट दिया और कौन कौन से पॉइंट रेलेवेंट हैं जिस पे सुप्रीम कोर्ट अपनी फाइंडिंग देगा। तो ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस की बेंच थी जिन्होंने ये केस डिसाइड किया, और मैं यहाँ पर केवल जस्टिस डीवी भारती का केस कोट कर रहा हूँ, उसके शॉर्ट पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ जिससे आप उसको अच्छे तरह से समझ सकें। आपको याद होगा इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये जजमेंट 2-1 से डिसाइड हुआ था, और मेजॉरिटी जजमेंट में जस्टिस डीवी भारती का जजमेंट हुआ करता था। तो बेसिकली इस केस में 5 सूट्स फाइल हुए थे, 5 मुकदमे फाइल हुए थे, जिसमें सूट नंबर 1 एंड 3 डिसमिस हो गया था और सूट नंबर 2 को पार्टीज ने विड्रॉ कर लिया था। केवल सूट नंबर 4 और 5 बचे थे एडजुडिकेशन के लिए, जिसमें से सूट नंबर 4 को लीडिंग केस बनाया गया। ये सूट नंबर 4 जो है वो सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने दाखिल किया था, गोपाल सिंह विशारत, निर्मोही अखाड़ा, स्टेट ऑफ यूपी एंड अन्य के खिलाफ। इन ये सारी पार्टीज थी, और इसमें जो रिलीफ क्लेम किया गया था वो ये किया गया था कि डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी जो है वो बाबरी मस्जिद है और इसको बाबरी मस्जिद डिक्लेयर किया जाए। और बाद में एक और इसमें ऐड किया गया था, रिलीफ फॉर रिकवरी ऑफ पोजिशन आफ्टर डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद, ये एक रिलीफ उसमें ऐड की गई थी। तो जस्टिस डीवी भारती ने इस पे जो जजमेंट दिया उसमें उन्होंने लिखा कि हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद ने किसी भी जजमेंट पे पहुंचने से पहले आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को अपॉइंट किया साइट का एक्सकवेशन करने के लिए 1-8-2003 को, और उसमें उन्होंने ये कहा, उनको ऑर्डर दिया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को कि वो उस पे पेनिट्रेटिंग सर्वे करें, रेडियोलॉजी सर्वे करें और अपनी रिपोर्ट सबमिट करें। इस जो सर्वे होना था या जो भी एक्सकवेशन होना था उसमें हाई कोर्ट ने ये डायरेक्शन दिया स्पेसिफिकली कि दोनों पार्टीज और उनकी कम्युनिटीज वहाँ पर प्रेजेंट रह सकती हैं एक्सकवेशन के दौरान, और अपने लॉयर्स और अपने फ्रेंड्स जिसको भी लाना चाहें उनके साथ वहाँ पर खड़े होकर उसको वॉच कर सकती हैं जिससे कि एक्सकवेशन की निष्पक्षता बनी रहे। जो भी एक्सकवेशन हुआ था वो हाईकोर्ट के डायरेक्शन के हिसाब से ड्यूली फोटोग्राफ्ड हुआ, ड्यूली वीडियोग्राफ्ड हुआ, उसकी पूरी डिटेलिंग हाईकोर्ट के पास रिकॉर्ड में मौजूद है। इसके अलावा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने दोनों कम्युनिटी से 14 लोगों को एक सर्वे टीम के तौर पर अपॉइंट किया, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्ष के लोग शामिल थे, जो कि एक्सकवेशन के टाइम पे स्पेसिफिकली वहां पर रहेंगे जिससे कि इसकी निष्पक्षता अगेन बनी रहे। जो एक्सकवेशन हुआ वो 12-3-2003, 1-8-2002 को अपॉइंट हुई थी, और 12-3-2003 से इन्होंने एक्सकवेशन शुरू किया और 7 अगस्त 2003 तक ये खुदाई या एक्सकवेशन चलते रहे। टोटल 90 गड्ढे खोदे गए, 90 ट्रेंचेस वर एक्सकवेटेड, और इसकी रिपोर्ट 22 अगस्त 2003 को सबमिट की गई हाईकोर्ट के सामने। तो अब एक्सकवेशन के बाद एएसआई की क्या रिपोर्ट आई? एक्सकवेशन के बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो अपनी रिपोर्ट दी उसमें कहा उन्होंने कि वहां पर जो गड्ढे थे उसमें पल्लव और ड्वार्फ, ड्वार्फ मतलब बौने पाए गए, जो कि पिलर्स को एज वेट बैरियर बियरर के तौर पे खड़े हुए पाए गए। वहां पर कीर्तिमुख पाए गए और टूटे हुए जंप विद सेमी सर्कुलर प्लास्टर पाए गए और फ्रैगमेंट ऑफ लोटस पाए गए, कमल के फूल के टूटे हुए टुकड़े, मतलब
मिट्टी की फॉर्म में पाए गए, मेडेलियन मोटिफ्स फूल पाए गए, और जो कि ये सारी चीज़ें जो पाई गई ये 10वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच में बने हुए टेंपल्स में पाई जाती थी। ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एक वो आया। इसके अलावा क्या पाया गया, इसके अलावा वहाँ पाया गया अष्टकोणीय पत्थर जो कि पिलर बेस पे था, जिसमें 32 तरीके की 32 पिलर का बेस पाया गया, जिसमें फ्लोरल मोटिफ्स बने हुए थे, उभार बने हुए थे, और जिसमें चार चार कॉर्नर्स थे, जो कि सारनाथ टेंपल जो कि 12th AD का माना जाता है उसके बनावट से मेल खाता था। इसके अलावा सर्कुलर स्ट्रक्चर पाए गए विद रेक्टेंगुलर प्रोजेक्शंस जो कि 10th AD के टेंपल से मेल खाता है, जो कि कालाचूरी राजा जो हुआ करते थे, जो कि सरयू रिवर के किनारे सेटल हुए थे, उनके पीरियड से रिलेट कर रहा है। इसके अलावा वहाँ पर 62 ह्यूमन बोन्स पाई गई और 131 जानवरों की हड्डियाँ पाई गई, जो कि जो है ये सब चीज़ें प्री मौर्य पीरियड से रिलेट किया जा सकता है। नागरा टेंपल जिस ज़माने में वहाँ पर देवी देवताओं के सामने बलि चढ़ाने की प्रथा हुआ करती थी, और ये बलि प्रथा कभी भी किसी मस्जिद में कभी भी नहीं रही। वहाँ पर जो है वो फर्नेस पाई गई, भट्टियाँ पाई गई और ओवंस पाए गए, जो कि ये साबित करते हैं कि उस जगह पे कोई रसोई घर था, मस्जिद में रसोई घर नहीं होता है। और उस टीम में शामिल सारे मुस्लिम मेंबर्स ने ये कंफर्म किया कि ये सब बिल्कुल सच्ची एविडेंस है, कोई भी एविडेंस क्रुक नहीं की गई है, फॉल्स वहाँ पर ला के चीज़ें रखी नहीं गई हैं, ये उसी एक्सकर्वेशन के दौरान पाई गई हैं। वहाँ पर छोटी छोटी मूर्तियाँ पाई गई, वहाँ पर गरुण ध्वज पाया गया जो कि विष्णु भगवान से रिलेट करता था, जिससे ये साबित होता है कि वहाँ पर वैष्णव टेम्पल था, वैष्णव मंदिर था। वहाँ पर पैरट्स यानी तोतों के हड्डियाँ पाई गई और गाय की हड्डियाँ पाई गई, और ये इस बात से ये बात जाहिर होती है, जस्टिस डीवी भारती ने कहा कि इस बात से ये बात साबित होती है कि मॉस्क जो है कभी भी किसी हड्डी के ऊपर नहीं बनाई जा सकती, हड्डियों के घेर के ऊपर नहीं बनाई जा सकती। और उन्होंने ये जजमेंट देने से पहले कम से कम 20 जजमेंट्स को अपने जजमेंट में रेफर किया है, कंसल्ट किया है, कंसिडर किया है, जो कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और प्रिवी काउंसिल से रिलेट करते हैं। उसके बाद उन्होंने ये सब बातें देखने के बाद उन्होंने ये होल्ड किया कि जो डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर एक पुराने मंदिर जो कि एक बहुत विशाल काय मंदिर हुआ करता था उसको डिमोलिश करने के बाद ये स्ट्रक्चर बनाया गया, यानी बाबरी मस्जिद वॉज बिल्ट आफ्टर डिमोलिशिंग ए ह्यूज वैष्णव टेम्पल। उन्होंने ये भी होल्ड किया कि चूंकि बाबर उस जगह का ओनर नहीं था, मालिक नहीं था, इसलिए वो वहां पर मस्जिद नहीं बना सकता था, और अगर उसने ऐसा बनाया है तो ये इस्लाम के नियमों के खिलाफ था। शर और हनाफी लॉ भी इस चीज को परमिट नहीं करती हैं, ऐसा जस्टिस डीवी भारती ने होल्ड किया। यहां तक कि एम्परर शाहजहां, सम्राट शाहजहां ने भी इस बात को होल्ड किया है कि कोई भी मस्जिद अगर किसी ज़मीन को ज़बरदस्ती कब्जे में करके बनाई जाती है तो वो मस्जिद नहीं कहलाई जा सकती और मुस्लिम्स वहाँ पर नमाज नहीं पढ़ सकते। और चूंकि शाहजहां ने ये बात फरमान जारी किया था तो ये फोर्स ऑफ लॉ माना जाएगा, आज भी माना जाएगा। इसके अलावा लाहौर हाईकोर्ट और प्रिवी काउंसिल ने भी इस बात को होल्ड किया कि ज़बरदस्ती कब्ज़ा की हुई ज़मीन पर मस्जिद नहीं बन सकती। इसके अलावा उन्होंने ये भी होल्ड किया कि ये प्रॉपर्टी 1949 में अटैच की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा,
और अटैच करने का मतलब ये होता है कि नाउ दिस बिलोंग्स टू द ट्रू ओनर। और सूट इसका फाइल किया गया 1961 में, डिक्लेरेटी सूट फाइल किया गया 1961 में, और रिकवरी ऑफ पोजीशन का सूट फाइल किया गया जो है 1995 में। जबकि इस तरह के सूट फाइल करने का लिमिटेशन पीरियड केवल 6 वर्ष है, 6 वर्ष का पीरियड है। तो 6 वर्ष के बाद ये चूंकि मुकदमे सारे फाइल हुए, तो इसलिए ये सारे सूट टाइम बार्ड है। और ऐसा जो है 19 AI 1937 आउध की रूलिंग में कहा गया है, और प्रिवी काउंसिल ने उसको कंफर्म भी किया हुआ है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक, फिर अगली बार दोबारा से बताएंगे।